हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंसेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंसेज का है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोशल साइंसेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है सोशल साइंस इज अ ब्रॉड अकेडमिक डिसिप्लिन दैट फोकसेज ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इट्स इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर यानी कि सोशल साइंस जो है वो एक अकेडमिक डिसिप्लिन है एक ऐसा पार्ट है जो फोकस करता है ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर ठीक है इंस्टीट्यूशंस यानी कि सोसाइटी में मतलब सोशियोलॉजी से अलग बट क्या क्या है जैसे एजुकेशन है पॉलिटिकल सिस्टम है रिलेशनशिप क्या है अलग अलग यू नो सोसाइटी में बिहेवियर क्या है लोगों का एंड सोशल साइंसिस के अंदर ही कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं या उससे लिंक हो जाते हैं जैसे कि हिस्ट्री जोग्राफ़ी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ये तो मोस्टली आपको पढ़ाते हैं जब तक आप यू नो नाइन टेंथ तक करते हैं उसके बाद धीरे धीरे सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी ये अपने आप में अलग फील्ड है बट सम थोड़ा बहुत ये कनेक्ट होती हैं सोशल साइंस

कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी सारी है मतलब अलग अलग लोग हैं अलग अलग जिसे कहना चाहिए रेस के लोग हैं अलग अलग कंट्री के लोग हैं और क्या क्या मेजर हिस्ट्री इवेंट हुए हैं एंड इन सब के साथ करंट सिचुएशन क्या है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है ये स्टूडेंट्स को इनसाइट देता है कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है और धीरे धीरे दे इवॉल्व ओवर टाइम ठीक है सो जब मैं बात करूंगी नेचर ऑफ सोशल साइंसेज एज स्कूल सब्जेक्ट इससे पहले जो डिस्कस किया वो था मतली नेचर देखते हैं the nature of social sciences is interdisciplinary drawing from various field to provide a holistic understanding of human behavior in society jab ye word bar bar use hota hai na that is interdisciplinary iska matlab hota hai ki ye jo field hai ye aapas mein kai cheezon ke sath connected hai ek single discipline nahi hai isme kai aur cheeze bhi connected hai jo social sciences ka nature hai that is interdisciplinary jo kai field se you know आया है to provide a holistic यानी कि आपको overall understanding बताने के लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी की इसमें आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड दोनों यूज होते हैं ठीक है इस मेथड में आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड दोनों यूज होते हैं ताकि आप यू नो जैसे आप देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होता है ना आपने किसी से इंटरव्यू लिया उसने जो फीडबैक दिया लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर में दैट इज क्वालिटेटिव बट अगर आपने किसी से नंबर पूछे कि इतने परसेंट ये वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड या फिर उस डाटा के अंदर आता है उसकी हेल्प से ना स्टूडेंट्स एनालाइज कर पाते हैं डाटा एंड कोई भी सोशल फिनमिना जो होता है उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं सोशल साइंसेज आर डायनामिक सब्जेक्ट्स कंटिन्यूअली इवॉल्विंग एज सोसाइटी चेंज एंड न्यू चैलेंजेस इमर्ज यानी कि सोशल साइंसेज जो होते हैं ना ये डायनामिक सब्जेक्ट है लाइक इट्स कीप ऑन चेंजिंग एंड ये इवॉल्व होता रहता है क्यों क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो चेंजेस होते रहते हैं ठीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको हमेशा एक ही तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते रहेंगे एक ही कंटेंट पढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है पॉलिटिक्स चेंज होती है नई नई चीज़ें डिस्कवर होती है हिस्ट्री में कुछ नया पता चलता है तो वो सब चीज़ें ऐड होती रहती है इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये डायनामिक सब्जेक्ट है जो कि इवॉल्व कर रहा है जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है और नए चैलेंजेस आ रहे हैं दिस फ्लूडिटी मेक इट असेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एम्पीथी एंड ओपन माइंडेड अप्रोच टू एनालाइज डाइवर्स परस्पेक्टिव यानी कि जो ये फ्लूडिटी होती है ना जैसे कि अगर हम बात करें कि इसमें कई सारी चीज़ें चेंज चीज़ होती है नए चैलेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इसकी वजह से स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है कि वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करें चीज़ों को लेके एम्पेथी रखें ओपन माइंडेड अप्रोच रखें ताकि वो हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ पाए स्कोप ऑफ सोशल साइंसिस एज अ स्कूल सब्जेक्ट द स्कोप ऑफ सोशल साइंसिस एज अ स्कूल सब्जेक्ट इज वास्ट एंड कवर सेवरल की एरियाज अब हम देखेंगे कि सोशल साइंसिस का स्कोप क्या है कहाँ कहाँ किस टाइप के यू नो सब्जेक्ट्स को कवर करता है सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर सोशल साइंसेस डेल्व इन टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर यानी इसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं किसी ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं उनके मोटिवेशन उनका एटीट्यूड एंड जो ह्यूमन इंटरेक्शन आपस में होता है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको स्टडी कर सकते हैं. फिर है सोसाइटीज़ एंड कल्चर इट एक्सप्लोर्स द डायवर्सिटी ऑफ कल्चर जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग कल्चर्स के बारे में इनफैक्ट हिस्ट्री में भी आपको अलग अलग कल्चर के बारे में बताया जाता है अलग अलग किंग के बारे में बताया जाता है जो पास्ट में कंट्रीज में थे जैसे जैसे चेंजेस आए तो वो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर ट्रेडिशन एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है वर्ल्ड में ठीक है एंड ऑब्वियसली आप जब इतनी सारी चीजें पढ़ते हो ना तो आपको हर एक चीज के लिए एक अप्रिसिएशन आपका जनरेट होता है ऐसा नहीं है कि देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जो आपको पता होगा आप उसी को मानोगे बट आप जब अलग अलग चीजों को पढ़ते हो कल्चर को लोगों को ट्रेडिशन को तो आपका एक डाइव मतलब आपका एक देखने का नजरिया डेवलप हो जाता है हर कल्चर के लिए प्लस कल्चरल अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव सोशल साइंसिस इन कंपास द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट दैट शेप प्रेजेंट डे सोसाइटी आप क्योंकि हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है आप इस बारे में सोच पाते हो कि ऐसे कौन कौन से मेजर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट्स थे या हिस्ट्री में ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से आज जो हमारी प्रेजेंट डे सोसाइटी बनी है वो जो भी रिजल्ट है वो क्या हुआ था ऐस जैसे आज हम आजादी की बात करते हैं कि इंडिया को आजादी मिली लेकिन क्या क्या मेजर इवेंट हुए जिसने इतनी बड़ी चीज हमारे लिए यू you नो know, मतलब डेवलप करी कि आज हम कह सकते हैं कि हम एक देश ऐसे आजाद देश हैं, तो बहुत सारी चीजें आपका ब्रेन इस चीज में एनालाइज करता है इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट ये प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करता है ठीक है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से जो भी हमारा पैसा है जो भी चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या उस पर असर डालते हैं एंड स्टूडेंट्स को ना इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इंसाइट्स मतलब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं वो समझ पाते हैं सो so, ये इकनॉमिक सिस्टम को एग्जामिन करेगा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को जो जो फैक्टर्स डेवलपमेंट पर असर डाल रहे हैं इन सब पर असर डालते हैं ठीक है फिर आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं जब हम स्कोप ऑफ एस एस टी बात करते हैं तो इसमें फोकस होता है गवर्नमेंट की स्टडी करना पॉलिटिकल सिस्टम्स की स्टडी करना गवर्नेंस गौर्न, के प्रिंसिपल्स के बारे में जानना स्टूडेंट्स को जानना कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है क्या क्या पॉलिटिकल लैंडस्केप है ये सब चीज़ें हम समझते हैं फिर है इन्वायमेंटल स्टडीज द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड एन्वायॉर्मेंटल साइंस विद इन सोशल साइंसेज हेल्प स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंड द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी होती है ना देखो वो भी ना आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो आपको पता होगा कि उसमें आपका एन्वामेंट नेचर सब चीजें आ जाती हैं तो उससे आपको पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचर का क्या रिलेशन है ठीक है सोशल इश्यूज़ के बारे में पता चलता है क्योंकि आपका जो सोशल साइंसेज है वो कई सारे सोशल इश्यूज को एड्रेस करता है जैसे कि गरीबी पुअर्टी इन डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में भेदभाव होना ग्लोबलाइजेशन का हमारा ओवरऑल पूरे सिस्टम पे चाहे वो एजुकेशन हो गया चाहे इंडस्ट्री हो गया उस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है एंड बच्चों के मन में एक सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी क्रिएट करना प्लस एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप भी प्रमोट करना कि आप एक अच्छे सिटीज़न कैसे बन सकते हैं वो सब चीज़ें एक नॉर्मल आपको राइट right सिखाए जाते हैं आपके ठीक है रिसर्च एंड एनालिसिस सोशल साइंसिस में ना जब पढ़ते हैं वो लोग जो इनफैक्ट कई लोग ऐसे हिस्ट्री डिस्कवर करते हैं हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं कोई लोग पॉलिटिकल साइंसिस पर रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च स्किल्स डेवलप करता है डाटा एनालिसिस होता है क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एविडेंस कलेक्ट कर पाते हैं और उसके बेसिस पे इन्फॉर्म जजमेंट बना पाते हैं ठीक है so सो ये जो टॉपिक है आपका इट इज़ अबाउट मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंसेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट ये पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है मतलब टॉपिक है इसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंसेज बीएड फर्स्ट ईयर सेक्शन में देखिएगा वहाँ पे आपको मिलेगा बाकी कोई वीडियो नहीं मिल रही है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं बट अगर वीडियो अच्छी लगी या समझ में आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच है नाइस डे अल्स यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो